एबीपीएस न्यूज़ सच का साथी। नमस्कार, मैं हूं रमाकांत यादव और आप देख रहे हैं एबीपीएस न्यूज। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भागीदारी आंदोलन मंच के बनवारी लाल प्रजापति जी, जो कि मंडल अध्यक्ष हैं लखनऊ से। तो आइए अब हम उनसे बात करेंगे कि उनका वर्तमान सरकार के ऊपर क्या कहना है। तो बनवारी लाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि वर्तमान सरकार में जो कानून व्यवस्था है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। बहुत जगह से जो है दंगे फसाद हो रहे हैं जी, उस पर सरकार को नियंत्रण कम लगता है जी, और इस विषय पर जो है सरकार को कड़ी से भी कार्रवाई करनी चाहिए जी। एक हिसाब से देखा जाए तो मोदी सरकार बहुत बड़े बड़े वादे करती है, कहती है हमने रोजगार दिया है, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था और 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था। आपको क्या लगता है, लोगों को रोजगार मिला या लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आए? सरकार ने, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, उन्होंने वादा जो किया था जी, उस पर वो अमल नहीं हो पाया जी। आज देखा जाए तो रोजगार के विषय में जहाँ है लोगों में बड़े एक भ्रम की स्थिति है कि कहा गया कि हम इतने करोड़ लोगों को रोजगार देंगे जी, लेकिन वो नहीं पाया। इसके इस वजह से लोगों में एक बेचैनी है, शिक्षित वर्ग जो है उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है जी। तो इसका प्रभाव अभी जो हाल के चुनाव में हुआ उसमें दिखाई पड़ा है, और जो और 15 लाख है वो भी किसी खाते में आया नहीं है। तो ये सब जो उन्होंने कहा है इस पर कोई अमल नहीं हो पाया है। इससे सरकार के विश्वसनीयता पर एक प्रश्न उठता है और लोगों का जो है दिमाग या उनका डाइवर्सन दूसरी तरफ हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपका भागीदारी आंदोलन मंच है, क्या ये आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ेगा या फिर आप? देखिए, भागीदारी आंदोलन मंच का में जो देश है जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जी, उसमें हमारे जो अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा और ये जात के लोगों को है, उनमें हिस्सेदारी के लिए है जी। हमारे इनके हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा है जी, इसकी वजह से ये आंदोलन चल रहा है और लगातार चलता रहा। पूरे प्रदेश में ये मतलब जन जागरण किया जा रहा है, क्योंकि उसके वजह से 27% का विभाजन गवर्नमेंट ने जो न्याय समिति की बैठाई थी जी, न्याय समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, उसमें जो सुझाए वर्गीकरण है उसमें सरकार को हम लोग लागू कराने के लिए हम अनशन करने की भी तैयारी, क्योंकि उस सरकार जो है न्याय समिति रिपोर्ट अभी लागू नहीं किया है जी। ये बताइए, ये जो राम मंदिर का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, अभी भी गरमाया हुआ है, तो एक हिसाब से देखा जाए क्या आपको लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव होने से पहले अयोध्या में नींव रख दी जाएगी? नहीं, मंदिर का मामला तो कोर्ट के अधीन है, कोर्ट जैसा निर्णय देगा उसी अनुसार से मंदिर बनना होगा। अब कोर्ट सर्वर है, इसलिए उस पर किसी उन्हीं को बात को माननी चाहिए। हाँ, मंदिर का पहले हमको शिक्षा जरूरत है जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और भी जितनी बुनियादी चीजें हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। मंदिर तो मंदिर की जो बात है वो तो आज पर कोर्ट पर डिपेंड है, इसलिए हम लोग का ये है पहले शिक्षा ज़्यादा होना चाहिए। कहा जाए कि व्यक्ति को जो अपने दुख को वो करना है तो उससे उसके लिए एजुकेशन जरूरी है। बिना ज्ञान के आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, आप बिना ज्ञान के लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें हार आपको निश्चित हो जाती है। अच्छा, ये बताइए, 27% आरक्षण में के विभाजन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? नहीं, विभाजन के लिए हमारी लड़ाई है, और जब तक विभाजन नहीं होगा तब तक हमारा ये मतलब हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा।
हम सरकार से अपनी डिमांड को इसको लागू कराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, चाहे हम अनशन करें या कोई हम और धरना प्रदर्शन करें। इसके लिए हम लोग जी जान से पूरे यूपी में इसके लिए मुहिम छोड़ेंगे। 24 दिसंबर को जो आप क्रमिक अनशन पर बैठेंगे, कहाँ कहाँ पे बैठेंगे, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में बैठेंगे या फिर? इसमें हमने सभी जिलों का जिला अध्यक्षों के जो है अभी सूचना मिली, उस पर हमने लोगों को कहा कि अपने अपने प्रथा में इसके लिए अनशन में बैठने के लिए अपनी सूची दे दें और हर एक जिले में अपना ये निश्चित करें कि कितने लोग इसमें बैठेंगे। अच्छा, बात की जाए तो वर्तमान सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, क्या आपको लगता है कि वर्तमान सरकार योगी जी, मुख्यमंत्री जी जो हैं उत्तर प्रदेश के, वो सरकार चला नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ और है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, योगी जी तो सरकार तो चला रहे हैं, बस सत्य कि उसमें लोगों की कुछ मनमानी हो रही है, प्रशासन थोड़ा टाइट है। तो ऐसा नहीं है कि शासन भी ठीक चले, बहुत से काम हो रहे हैं, बहुत से भी बाकी हैं, तो प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है। सच का साथी। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं रामकृपाल प्रजापति जी, जो कि राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं लखनऊ से। तो रामकृपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो रामकृपाल जी, ये बताइए कि वर्तमान सरकार के बारे में आपका क्या कहना है, कानून व्यवस्था कैसी है यहाँ की? देखिए, जो हमारे सरकार की कानून व्यवस्था है, अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि उनकी जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो थाना हो, कचहरी हो, तहसील हो जी, वहाँ पे सब अधिकारी अपने मनमानी कर रहे हैं, सरकार उस पर काबू नहीं कर पा रही है कि अधिकारी को कैसे काबू किया जाए। अभी आप तहसीलों में चले जाइए, कचहरी में चले जाइए, जहाँ पे लोग 10 20 100 50 रुपए में काम कराते थे जी, आज वहाँ पे अधिकारी 500 रुपए की डिमांड करते हैं। अभी थाने में कोई गरीब FIR दर्ज कराने जाता है जी, तो वहाँ पे कम से कम 4,000-5,000 रुपये जो है, जब तक नहीं लेते हैं उस गरीब की FIR दर्ज नहीं होती है जी। तो हम तो बहुत सेटिस्फाइड नहीं हैं, हम बहुत अपने कानून व्यवस्था से, अपनी सरकार से बहुत प्रभावित नहीं हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भाई, जो हमारी सरकार है, अपने जो अधिकारी है इस पे काबू करें, इनको कंट्रोवर्सी जी। तो ये बताइए, अभी आप जल्द ही 24 दिसंबर को जो आप क्रमिक अनशन पर बैठेंगे, आप उस पर क्या कहेंगे? एक्चुअली हमारा क्रमिक अनशन बैठने का सिर्फ एक ही मुद्दा है। मैं भागीदारी आंदोलन से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, मैं हमारी जो नीति है जी, अति पिछड़ा पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा, हम चाहते हैं सरकार से कि ये हमारा जो विभाग 27% का आरक्षण है, इसमें हमारा 3 कैटेगरी में विभाजन कर दे जी, और जब तक ये विभाजन नहीं करेगी तब तक हम लोग पूरे 75 जिलों में क्रमिक अनशन पर बैठते रहेंगे। ये अनशन तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारे आरक्षण में विभाजन नहीं करेगी। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पार्टी में रहकर बगावत कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि शोषण और अन्याय के खिलाफ जी लड़ाई लड़ना अगर बगावत है जी, तो समझिए हम बागी। ऐसा कुछ नहीं है, जो हम लोगों की लड़ाई है वो सार्वजनिक हित के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है, लोगों को जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उसके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, यही हमारी लड़ाई है। बीजेपी ने जो राम मंदिर का मुद्दा उठाया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कि 2019 का लोकसभा चुनाव होने से पहले राम मंदिर की नींव रख जाएगी या फिर? देखिए, एक्चुअली बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मैं आपको एक्चुअल बता दूं जी, इसके पास वर्ग का कोई मुद्दा नहीं है। जैसे इनके नेताओं ने बड़े बड़े भाषण दिए, मैं किसी का नाम ले लूंगा जी, हम
साल में 2 करोड़ जो है नौकरी दे देंगे, रोजगार देंगे जी, बहुत सारी इन्होंने बातें रखी। लेकिन जो यूपी में हो रहा है, जो सभी लोग उसको जानते हैं कि योगी सरकार क्या कर रही है जी, इसलिए अगर कोई मुद्दा नहीं है तो उनके पास एक ही वो लोग मुद्दा बना रखे हैं कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और उसको राम मंदिर पे ले जाके अटका दे रहे हैं ताकि हमारे जो लोग हैं, हमारे प्रदेश के लोग हैं, वो भ्रमित हो जाए और हमारे साथ समर्थन करें और हमारी सरकार बने। जबकि जो शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है जी कि ये मुद्दा जो है राम मंदिर का जो मुद्दा है ये कोर्ट के हाथ में है जी, ये हो ही नहीं सकता है। जब तक कोर्ट फैसला नहीं करेगी तब तक ना बीजेपी सरकार कुछ कर सकती है ना हम और आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं एक ही लाइन में कहना चाहूँगा कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, जब वो फैसला सुनाएगी, चाहे वो मंदिर बनना होगा या मस्जिद बनना होगा, वो तय करेगी, ना कि हम और आप या गवर्नमेंट। अच्छा ये बताइए, ये जो योगी जी का सरकार चलाने का तरीका है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि योगी जी जो जिस मठ में थे उनको वही मठ शोभा देता है, ऐसे जगह उनको शोभायमान नहीं हो पा रहे हैं। वो उस पर जो चीज़ करना चाहिए आज की डेट में, जो हम तो दो ही मुद्दा पे पर्सनल जो हमारा व्यक्तिगत मुद्दा है वो है एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य जी। सरकार सिर्फ दो मुद्दों पे फोकस कर दे जी। पहला चीज तो देखिए, गरीब जो होता है वो उसका स्वास्थ्य को लेकर के अक्सर परेशान रहता है जी, और वो जो है अपनी इनकम का 75% अपने स्वास्थ्य के लिए खर्च कर देता है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे और इसका इलाज बिल्कुल फ्री कर दे, समानता का अधिकार दे जी। दूसरा जो शिक्षा है, शिक्षा जो गरीब व्यक्ति हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े सर्वाधिक पिछड़े के लोग हैं जी, ये अभी क्या है कि अपने बच्चों को जो शिक्षा देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं जी। तो मैं यही सरकार से कहना चाहूँगा कि जो इस शिक्षा में भी समानता का अधिकार दे और बराबर का शिक्षा सभी को मिले, ताकि सबके बच्चे, गरीबों के भी बच्चे डॉक्टर, चपरासी, कलेक्टर, बाबू, इंजीनियर बन सकें। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या राय देंगे, क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि योगी सरकार की बिल्कुल भ्रष्ट है और इस पर ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इस पर इनको विशेष ध्यान देना चाहिए। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और अधिकारी गरीबों की जो है अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है, इससे पहले जो सरकार थी उस पर कानून व्यवस्था सही थी या फिर वर्तमान सरकार में? देखिए, पिछली सरकार में, इस सरकार में तो एक डिफरेंस है, उसमें 500 में काम होता था, इसमें 5000 में होता है जी, बस यही फर्क। अच्छा ये बताइए, जो पटरी दुकानदारों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, पटरी दुकानदार जैसे ठेले वाले हो गए या पान की गुमटी वाले हो गए, इन लोगों के संग उत्पीड़न हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इन्हीं की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम गरीबों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इनके साथ शोषण हो, अन्याय हो, इनको दबाया जाए। यही दबे कुचले लोगों को हम लोग उभारने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि ये लोग उभरे, उस जिंदगी से बाहर आए जहाँ पे वास्तव में इनको जरूरत है, इनको देश की जरूरत है। इनको ये है कि भाई जब तक इनका स्वास्थ्य, शिक्षा पे आप ध्यान नहीं देंगे तब तक ये बेचारे उसी तरह से दबे कुचले रह जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ABPS News, सच का साथी।